तो है, तेल को तेल के रेट कम करे जाएं, डीजल के रेट कम करे जाएं, पब्लिक परेशान है, हर चीज़ के रेट कम होने चाहिए ना। बीजेपी के राज में बीजेपी धरना देती थी इसी चक्कर में, पहले कांग्रेस के वक्त में कि आप रेट बढ़ा रहे हैं प्रदर्शन के चक्कर में करना है, लेकिन रेट कम कहाँ हो रहे हैं, महंगाई तो बढ़े जा रही है। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के अगेंस्ट है, उस केंद्र सरकार के अगेंस्ट है जिस केंद्र सरकार ने आज से पहले सत्ता ली थी। वो सत्ता ली थी महंगाई डैन कह के, वो सत्ता ली थी उस 85 रुपए की दाल को ये कह के लिया था कि महंगाई दाल बहुत महंगी, आज वो दाल 200 रुपए किलो बिक रही है। ये प्रदर्शन उसके अगेंस्ट है, उस तेल को जो 60 रुपए बिकता था डीजल, वो आज 80 रुपए 90 तक चला गया, 72 रुपए चला गया। ये प्रदर्शन उसके अगेंस्ट है जो एक रेलवे का प्लेटफार्म 7-8 रुपए में होता था, उसका चार्ज बढ़ गया। ये प्रदर्शन उसके अगेंस्ट में जो हमारी जेबें कट रही है, ये प्रदर्शन उसके अगेंस्ट में जो धर्मनिरपेक्षता देश होते हुए भी इसके अंदर फिरका परस्ती फैलाई जा रही है, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। पहले जो दालें जिस रेट में आती थी और अब जो आ रही है, अगर सारा टोटल करके देखा जाए, जो एक महीने का राशन आया करता था अब वो आधे महीने का रह गया, जस्ट हाफ हो गया है, सारा खर्चा मिला जुला के पूरा डबल हो गया है। हर चीज़ जहाँ देखो वही चीज़ महंगी हो गई है, तेल हो, दालें हो, या अगर बाथरूम तक पहुँचते हैं तो साबुन वगैरह हो गए, सारी चीज़ें, घर की सारी चीज़ें महंगी हो गई। घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है इस महंगाई में। देखिए, आम जनता के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, एक वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता क्या करे। हम लोग यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि रेट कम करें, महंगाई को कम करें। सरकार आई थी तो इसी को लेकर आई थी कि महंगाई डाइन मार गई, आज महंगाई जैसे मुद्दे और जो आम जनता के जो रोजगार मुद्दे हैं वो सारे ही उन मुद्दों से हट गए। महंगाई ने सबकी एक आम इंसान की कमर तोड़ दी है, ना खाने की रसोइयाँ ढंग से चल रही है, ना गाड़ियों लोगों की गाड़ियाँ, पेट्रोल डीजल सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। क्या है मोदी जी के वादे, झूठे वादे, लोगों के 15 लाख रुपए अकाउंटों में आने थे, वो अकाउंट उनके 15 लाख रुपए जेब से और चले गए। ये प्रदर्शन हमारा आम जनता के लिए है और देशवासियों के लिए, ये प्रदर्शन बार बार करते रहेंगे जब तक ये अपने जो झूठे वादों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी वो वादे नहीं पूरे करते, तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। युवाओं के लिए यही है कि जैसे रोजगार के लिए, जैसे मोदी सरकार आई थी झूठे वादे करके कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये महंगाई और बढ़ रही है और रोज़गार की ये है कि ये सिर्फ मोदी सरकार जो है, बड़े बड़े जो ये नीरव मोदी है, नीरव मोदी है, रिफिल फंड है, जैसे ये बड़े बड़े बैंकों का घोटाला हो रहा है, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही सरकार है, ये युवाओं के लिए और आम जनता के लिए कोई सरकार नहीं है, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। इससे बड़े ये बड़े बड़े घोटाले कर ये देश से फरार हो जाते हैं, और हमारे मोदी जी को सिर्फ टाइम नहीं है देश के हाल देखने के लिए, वो हमेशा विदेशों की यात्राओं में ही बिजी रहते हैं। ठीक है।